शेर आगे छलांग मारने के लिए एक कदम पीछे हटाता है, इसलिए जब भी जिंदगी आपको पीछे धकेलती है तो घबराए नहीं, जिंदगी आपको ऊंची छलांग देने के लिए तैयार है। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों आज है 28 अप्रैल और स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। दोस्तों आने वाले एग्जाम्स के लिए करंट अफेयर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे अभी एग्ज़ाम आने वाले SSC, बैंकिंग, रेलवे, PSC, पुलिस, UPSC, तो सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाले करंट अफेयर्स, इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें और डेली आप मॉर्निंग में 5 बजे करंट अफेयर्स की वीडियो जरूर देखा करें चैनल पर आकर, आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में जो बगल में बेल आइकन उसको भी जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको डेली हमारे चैनल से ऐसी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें और शेयर कर दें। चलिए फिर स्टार्ट कर दें, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ISSF वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर पिस्टल में अभिषेक वर्मा ने कौन सा पदक जीता है। तो ISSF यानी इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर पिस्टल में दोस्तों अभिषेक वर्मा ने जीत लिया, गोल्ड मेडल जीता है। देखिए दोस्तों ये बीजिंग चाइना में हुआ था, ये इसमें 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल इन्होंने जीत लिया है। आपको बता दें कि उन्होंने 242.7 के जो है स्कोर के साथ शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, और रूस के हैं आर्टेम चेरनोव को रजत पदक प्राप्त हुआ है। और इसके साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि शूटिंग विश्व कप फाइनल में उनके शानदार प्रदर्शन से भारत ने 5वां ओलंपिक कोटा हासिल कर लिया है। तो ये आप याद रखिएगा, ISSF यानी इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर पिस्टल के अंदर जो है अभिषेक वर्मा ने गोल्ड मेडल जीत लिया है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए ISSF का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा आ सकता है। तो हेडक्वार्टर आपको याद रखना है दोस्तों, म्यूनिख जर्मनी में है, ठीक है, म्यूनिख जर्मनी में है इसका हेडक्वार्टर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। तो देखिए दोस्तों एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप जो बैंकॉक में हुई है इसमें भारत ने टोटल 13 पदक जीते हैं, ठीक है, 13 मेडल इसमें जीत लिए हैं। इसमें आपको याद रखना है कि भारत जो है 2 स्वर्ण 4 रजत और 7 कांस्य पदक सहित टोटल 13 पदक जीते हैं, इसमें 2 गोल्ड है 4 रजत है और 7 कांस्य है। और आपको बता दें कि मुक्केबाज पूजा रानी और अमित पंघाल ने भारत के लिए गोल्ड मेडल जीते हैं। देखिए पूजा रानी और अमित पंघाल जो इन्होंने गोल्ड मेडल जीते हैं, और पुरुषों ने जो है 1 स्वर्ण 3 रजत और 3 कांस्य जीते हैं, जबकि महिलाओं ने 1 स्वर्ण 1 रजत और 4 कांस्य पदक जीते हैं, ठीक है। तो ये याद रखेंगे आप, एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं, 13 जीते हैं। और ये कहाँ पे हुआ है ये भी एग्जाम में आपसे पूछा आ सकता है, कई बार पूछ लेता है, तो बैंकॉक में हुआ है ये, ठीक है, एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप। देखिए दोस्तों अभी हाल ही में जो है तो एक और जो चैंपियनशिप आयोजित हुई है एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप, इससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन बता देता हूँ, याद दिला दूँ, रिमाइंड करा देता हूँ आपको। तो देखिए एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप अभी दोस्तों हुई कतर के दोहा में, और इसमें जो है भारत पदक तालिका में 4थे स्थान पर था, ठीक है, 4th नंबर पर था, ये आप याद रखें, कहाँ पर हुआ है, कतर के दोहा में। और इसमें भारत जो है 23वें संस्करण में भारत ने 3 स्वर्ण 7 रजत और 7 कांस्य पदक के साथ तालिका पर 4थे स्थान पर था। बहरीन जो है इसमें शीर्ष स्थान हासिल किया है, चाइना 2nd नंबर पर था और जापान 3rd पर। यहाँ पे आपको भारत की रैंकिंग याद रखनी दोस्तों, भारत 4th नंबर पर था, ठीक है। चलिए तो ये आपको याद रखना है कि एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने टोटल कितने मेडल जीत लिए, 13। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए मैंने आपको दोनों जो है क्लियर कर दिया है, ये नोट डाउन करते चलेंगे दोस्तों हमारे साथ। और दोस्तों इस वीडियो का टारगेट लाइक्स जो है प्लीज़ लाइक जरूर कर दिया करें, इस वीडियो का टारगेट लाइक्स है आज का 7000 लाइक्स का। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगे दोस्तों, काफ़ी मेहनत लगती है, तो प्लीज़ एक लाइक करके हमें मोटिवेट किया करें, ऐसे ही काफ़ी अच्छा लगता है। और प्लीज़ कमेंट कर दिया करें दोस्तों, मोटिवेट करने के लिए हमें कमेंट भी कर दिया करें दोस्तों, काफ़ी अच्छा लगता है। प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को शेयर कर दें अपने सभी मित्रों के साथ, जितने आपको फ्रेंड्स तैयारी करें, ताकि सभी की हेल्प हो सके, तो एक शेयर जरूर करिएगा। थर्ड है हमारा दोस्तों, 2019 टैगोर साहित्य पुरस्कार किसने जीता है। तो देखिए दोस्तों 2019 टैगोर साहित्य पुरस्कार जीता है राणा दास गुप्ता, ऑप्शन बी, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार का दूसरे संस्करण को लेखक राणा दास गुप्ता को जो है दिया गया है दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों आपको बता दें कि साहित्यिक पुरस्कार इनको दिया गया है, यहाँ पे सामाजिक उपलब्धि के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार से कुष्ठ रोग को दूर करने के लिए और विश्व शांति के लिए महान योगदान में अविश्वसनीय प्रयासों के लिए योहोई ससाकावा को सम्मानित किया गया है। साहित्यिक उपलब्धि के लिए इसको दिया गया है, कुष्ठ रोग दूर करने के लिए योहोई ससाकावा। देखिए इनका नाम क्या है, योहोई ससाकावा, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, 2019 का टैगोर साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया है, राणा दास गुप्ता को। अब दोस्तों यहाँ पे पुरस्कारों की बात हो रही है, तो मैं आपको कुछ
काफ़ी महत्वपूर्ण पुरस्कार बता देता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आपके आगामी एग्जाम से पूछे जा सकते हैं। तो आपको मेरे साथ नोट डाउन करते चलना है और आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, मान बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2018 किसे दिया गया था? ओल्गा टोकारजुक को दिया गया था, ठीक है। ओल्गा टोकारजुक को दिया गया था मान बुकर साहित्य, मान बुकर इंटरनेशनल प्राइज। और बात करें मान बुकर पुरस्कार की, दोस्तों दे दिया गया था एना बंस को। देखिए दोस्तों, मान बुकर इंटरनेशनल प्राइज और मान बुकर प्राइज में अंतर है, तो आपको याद रखना है। मान बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, ये मिला है ओल्गा टोकारजुक को, और मान बुकर पुरस्कार मिला है एना बंस को। देखिए पेटा पर्सन ऑफ द ईयर 2018 किसको दिया गया है? सोनम कपूर को, अभिनेत्री सोनम कपूर को दिया गया है पेटा पर्सन ऑफ द ईयर 2018, ये आप जरूर याद रखेंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण जो बता रहा हूँ आपको, 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया दोस्तों अमिताभ घोष को, अंग्रेजी लेखक अमिताभ घोष को अंग्रेजी के लिए दिया गया है 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2018 किसको दिया गया है? मनमोहन सिंह जी को, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को, ठीक है, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। और ग्लिट्समैन पुरस्कार 2018 दिया गया है मलाला यूसुफजई को, इनको 2014 में शांति नोबेल प्राइज भी मिला था कैलाश सत्यार्थी जी के साथ, पाकिस्तान की हैं और ये सबसे युवा विजेता है नोबेल पुरस्कार की, ठीक है। तो ग्लिट्समैन पुरस्कार भी इनको दिया गया मलाला यूसुफजई को। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की बात करें तो ये दिया गया है दोस्तों 2018 के लिए विराट कोहली और मीराबाई चानू को, मीराबाई चानू वेट लिफ्टर और विराट कोहली कप्तान, क्रिकेटर कप्तान, ठीक है। जितने आप पुरस्कार याद रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों 49वां दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको दिया गया है? विनोद खन्ना जी को दिया गया था मरणोपरांत। जितने आप फैक्ट याद रखेंगे, ठीक है, पुरस्कारों से रिलेटेड 2019 का टैगोर साहित्य पुरस्कार दिया गया है राणा दास गुप्ता को, लेखक हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, कौन सी कंपनी $1 ट्रिलियन के मूल्यांकन वाली दुनिया की तीसरी कंपनी बन गई है? तो देखिए दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट जो है $1 ट्रिलियन के मूल्यांकन वाली दुनिया की तीसरी कंपनी बन गई, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए माइक्रोसॉफ्ट जो है अपने मुनाफे में बढ़ोतरी के बाद दोस्तों पहली बार $1 ट्रिलियन के मूल्यांकन के तक जो है पहुंच गई है, और वह इसे 2018 में सॉफ्टवेयर की विशालकाय कंपनी के इतिहास में एप्पल और अमेजन के बाद केवल तीसरी सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनी बना देता है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे माइक्रोसॉफ्ट। अब यहाँ पे अगर माइक्रोसॉफ्ट की बात हो रही, जब भी किसी बड़ी कंपनी की बात हो उसके सीईओ आप जरूर याद रखा करें दोस्तों, सीईओ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है। माइक्रोसॉफ्ट के वर्तमान में सीईओ कौन है? तो वह सत्या नडेला, ये भारतीय मूल के ही हैं सत्या नडेला जी, ठीक है। तो ये आप याद रखें। बात करेगा दोस्तों यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की, तो माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब हुई थी ये भी आप याद रखेंगे, 4 अप्रैल 1975 में इस कंपनी की स्थापना हुई थी माइक्रोसॉफ्ट की। इसके संस्थापक कौन थे? बिल गेट्स और पॉल एलन, बिल गेट्स और पॉल एलन हैं, और वर्तमान सीईओ सत्या नडेला जी। बात करें अगर यहाँ पे दोस्तों गूगल की, गूगल के वर्तमान में सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई हैं, गूगल के वर्तमान में सीईओ सुंदर पिचाई, ये भी भारतीय मूल के हैं, ठीक है। और इसके फाउंडर कौन थे गूगल के? तो लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन थे। गूगल की स्थापना कब हुई थी? 4 सितंबर 1998 में, ठीक है, 4 सितंबर 1998 को गूगल की स्थापना हुई थी। बात करें अगर यहाँ पे दोस्तों एप्पल कंपनी की, तो एप्पल कंपनी के जो वर्तमान में दोस्तों सीईओ हैं वो आप जरूर याद रखेंगे, एप्पल के जो वर्तमान में सीईओ हैं वो टिम कुक, ठीक है, टिम कुक हैं, ये आप याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों हमारा। रूस के व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरिया के किम जोंग उन ने अप्रैल 2019 में पहली शिखर वार्ता कहाँ की है? देखिए दोस्तों, रूस के व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरिया के किम जोंग उन जो है पहली शिखर वार्ता 2019 में की है, ये व्लादिवोस्टोक में, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 है, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? देखिए दोस्तों, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस प्रतिवर्ष 26 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है, और इसकी थीम क्या थी 2019 की ये भी याद रखेंगे आप, तो थीम थी रीच फॉर गोल्ड, आईपी और स्पोर्ट्स, ठीक है। ये आयोजन दोस्तों 2000 में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा स्थापित किया गया था, ठीक है, 2000 में। इसका उद्देश्य है दैनिक जीवन पर पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क और डिजाइन के प्रभाव के बारे में जागरूकता अवेयरनेस बढ़ाना, ठीक है। प्रतिवर्ष बौद्धिक संपदा दिवस मनाया था 26 अप्रैल को। क्वेश्चन नंबर 7 है, RBI हरे पीले रंग में नए कितने रुपए का नोट जारी करेगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 20 रुपीज। देखिए दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है जल्द ही हरे पीले रंग में नए 20 रुपए के नोट जारी करेगा, और ये महात्मा गांधी श्रृंखला में दोस्तों बैंक नोट में देश की सांस्कृतिक विरासत को दर्शाते हैं। इसमें एलोरा गुफाओं का एक रूपांतरक होगा, इसमें एलोरा गुफाओं का होगा, और इसका जो है दोस्तों आपको बता दें जो 20 रुपए का नया नोट है इसका आयाम क्या होगा, 63 mm × 129 mm। तो ये आप जरूर याद रखेंगे, 63 × 129 mm, ये आपसे पूछा आ सकता है, ठीक है।
चलिए बात करें अगर आरबीआई की, तो आरबीआई की स्थापना हुई थी दोस्तों 1 अप्रैल 1935 में। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया कई बार, तो आपको याद रखना है, आगामी एग्जाम में पूछा सकता है। आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। राष्ट्रीयकरण भी कई बार पूछ लेता है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 में इस बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था। वर्तमान में इसके जो है गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास जी हैं, हेडक्वार्टर मुंबई में है। अब देख लेते हैं जो हमने कल क्वेश्चन पूछा था, एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप में पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो भारत फोर्थ नंबर पर था दोस्तों, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट ने राइट आंसर दिया था। अब देख लेते हैं आज का क्वेश्चन हमारा क्या है। आज का क्वेश्चन है जनरल दलवीर सिंह सुहाग को किस देश में भारत का एक उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? आपको फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना है दोस्तों। काफ़ी कम लोग कमेंट को, तो प्लीज़ कमेंट जरूर कर दिया करें, और डेली आप मॉर्निंग में करंट अफेयर्स वीडियो देखा करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप लोग स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।